देश के कोने कोने में ईद उल अजहा यानी बकर ईद मनाई जा रही है। ये बकर ईद मीठी ईद के ठीक दो महीने बाद बकर ईद आती है। ईद उल फितर यानी मीठी ईद के बाद मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा त्यौहार बकर ईद होता है और इस पर लोग कुर्बानियां देते हैं। इस कुर्बानी देने का महत्व आपको बताते हैं। बकरीद के दिन सबसे पहले नमाज अदा की जाती है, उसके बाद बकरे या फिर अन्य जानवर की कुर्बानी दी जाती है। कुर्बानी के बकरे के गोश्त को तीन हिस्सों में करने की शरीयत में सलाह है। गोश्त का एक हिस्सा गरीबों के तकसीम किया जाता है एवं दूसरा हिस्सा दोस्त अहबाब के लिए और वही तीसरा हिस्सा घर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक एक पैगंबर थे हजरत इब्राहिम और माना जाता है कि उन्हीं के ज़माने में बकरीद की शुरुआत हुई थी। वह हमेशा बुराई के खिलाफ लड़े, उनका ज़्यादातर जीवन जन सेवा में बिता था। 90 साल की उम्र में उनकी कोई औलाद नहीं हुई थी। उन्होंने खुदा से इबादत करते हुए चांद से बेटे इस्माइल मिला।